सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने आज सहकारिता विभाग की बैठक ली तो वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों से भी अधिकारी बैठक से जुड़े। बैठक में कई मुद्दों पर जहां समीक्षा हुई तो वहीं सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर सहकारिता विभाग काम कर रहा है, जिसके तहत 8 लाख किसानों को 0% ब्याज पर ऋण दिया गया है। तो वहीं 2 लाख से ज्यादा नए सदस्य सहकारी समितियों में बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 33% सदस्य महिलाओं को बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 30,000 किसानों के द्वारा सहकारी ऋण भी लिया गया था, लेकिन उनके द्वारा ऋण जमा नहीं किया गया और निधन भी कई किसानों का हो गया है। लेकिन वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत 9,000 किसानों के द्वारा ऋण जमा कर लिया गया है, जिसके लिए 30 नवम्बर तक ऋण जमा करने के लिए समय भी बढ़ा दिया गया है। वहीं सहकारिता विभाग के द्वारा पहली बार हर जिले के 2 किसानों को 4 राज्यों का भ्रमण कराए जाने पर भी सहमति बनी। अब तक अधिकारी दूसरे राज्यों का दौरा करते थे, लेकिन यह पहली बार है कि जो किसान बेहतर काम कर रहे हैं उनको हिमाचल गुजरात समेत 4 राज्यों का भ्रमण कराया जाएगा। देखिए, सहकारिता विभाग जो है उत्तराखंड में किसानों की आय दुगनी करने के लिए जो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके अनुरूप काम कर रहे हैं और अभी तक लगभग 8 लाख किसानों को हम 0% पे ऋण दे चुके हैं। इस बार भी हमारी ये महत्वाकांक्षी योजना जो है वो कुकुड़ बहली के लिए भी है, जो लोग डेयरी सेक्टर में जा रहे हैं उनके लिए भी है, जो है उद्यान के क्षेत्र में जा रहे हैं उनके लिए भी है। तो हर प्रकार के किसानों को हम लाभ दे रहे हैं। साथ में अभी हमने ये भी कहा है कोऑपरेटिव में कि 2 लाख नए सदस्य बना रहे हैं, क्योंकि भविष्य में कोऑपरेटिव के चुनाव होने जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि नए लोग भी कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े। एक हम 30,000 किसान जो कि कोऑपरेटिव में पहले ऋण लिए, कई वर्षों पहले उनने ऋण लिया था और जिनने ऋण लिया उनकी डेथ हो गई है, तो ऐसे किसानों का हम वन टाइम सेटलमेंट में लाए थे। अभी तक 9,000 किसानों ने इसमें वन टाइम सेटलमेंट में आ गए हैं। इसकी योजना अब हमने 30 नवंबर तक बढ़ाई है, सदस्यता की भी और वन टाइम सेटलमेंट की भी। हमने एक बड़ा काम किया अभी कोऑपरेटिव विभाग ने कि जो हर जिले के 2-2 किसान हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो वहाँ के मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी और ऐसे चयनित किसानों को हम हिमाचल भी भेज रहे हैं, गुजरात भी भेज रहे हैं, देश के 4 राज्यों में भेज रहे हैं ताकि वहाँ से सीख के कुछ हैं। पहली बार जो है किसान जा रहे हैं, नहीं तो अभी तक पहले लोग डायरेक्टर जाते थे, अध्यक्ष जाते थे। तो हमने कोऑपरेटिव विभाग ने नई पहल की है कि हमारा जो गरीब किसान है जो अच्छा काम कर रहा है उसको सरकार की तरफ से भेजा जा रहा है।